एक छोटा सा बच्चा साहिल समंदर पे अपनी फैमिली के साथ खेलने के लिए आता है, तो वहां पे ना जिस तरह के साहिल पे होता है मंजर, एक समंदर की लहर आती है रेत के ऊपर बिछ के वापस चली जाती है। जब वो लहर वापस जाती है ना, तो उस लहर में ना छोटी 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 ना जेलीफिश रह जाती है। जेलीफिश एक बिल्कुल छोटी सी मछली होती है, जेली की तरह नरम सी होती है और इतनी डेलिकेट मछली होती है ना कि अगर इसको थोड़ी देर धूप पड़ती रहे ना तो वो जल जाती है, मर जाती है, धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब समंदर की लहर आती है, जब लहर वापस जाती है ना तो वहां पे छोटी छोटी जेलीफिश रह जाती है। अब वो छोटा सा बच्चा क्या करता है, जल्दी से एक मछली को उठाता है, उठा के समंदर में फेंक देता है, दूसरी मछली उठाता है, उठा के समंदर में फेंक देता है ताकि मरे ना। अब वो दो तीन मछलियां उठा के समंदर में फेंकता है, 12-15 सेकंड लगते हैं, इतनी देर में बाकी मछलियां जो समंदर की रेत पे धूप में पड़ी होती है वो जल के मर जाती है। साथ ही दूसरी लहर आती है, उस लहर के अंदर फिर 8-10-12 मछलियां आती है, बच्चा फिर भागता है, एक मछली को उठाता है समंदर में फेंकता है, दूसरी मछली उठाता है समंदर में फेंकता है, दो तीन मछलियां समंदर में फेंकता है, बाकी फिर मर जाती है। देखना हमारी तरह का अकलमंद आदमी पीछे खड़ा देख रहा होता है, ये क्या लगा हुआ है, क्या करी जा रहा है, मछलियां उठा उठा के समुद्र में फेंकी जा रहा है, एड्डा वेला है यार, मछलियां उठा उठा के समुद्र में फेंकी जा रहा है। वो उसको बुलाते हैं, कहते हैं बेटा इधर आओ पास में, ये क्या कर रहे हो, उसको आवाज देते हैं, बुलाते हैं, लेकिन बच्चा उनकी बात नहीं सुनता, अपना काम लगा रहता है, मस्त हो रहता है, लगा मछली उठाई समंदर में, मछली उठाई समंदर में। उसके नजदीक जाते हैं उसको समझाने के लिए, उससे कहते हैं बेटा ये आप क्या कर रहे हो, मछलियां उठा उठा के समंदर में फेंकी जा रहे हो, उससे कोई फर्क पड़ रहा है, लहर आती है फिर मछलियां छोड़ के वापस चली जाती है, लहर आती है फिर मछलियां उठा के, कोई फर्क पड़ता है इससे। बच्चा क्या करता है, एक मछली उठाता है, उठा के समंदर में फेंकता है और उससे कहता है इसको फर्क पड़ा, उसने मछली उठाई है उठा के समंदर में फेंकी और उनसे कहा कि इसको फर्क पड़ा है। आप जब भी कोशिश करते हो किसी ना किसी को फर्क पड़ता है। हम अगर हर एक को फर्क नहीं डाल सकते, कम से कम इतनी कोशिश तो जरूर करें ना कि जिसको फर्क पड़ता है जितनी रोशनी फैला सकते हैं फैलाएं। मोमबत्ती है उसकी रोशनी छोटे से एरिया में फैलती है, बल्ब है उसकी थोड़े ज्यादा एरिया में फैलती है, फ्लड लाइट है उसकी रोशनी और ज्यादा एरिया में फैलती है, जितनी रोशनी फैला सकते हो फैलाओ। क्यों? फर्क